नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। इसे अपने देश में भी देखा जा सकेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस ग्रहण का सबसे बुरा प्रभाव आंखों पर ही पड़ेगा। सूर्य ग्रहण करीब 3 घंटे 25 मिनट का होगा। यह ग्रहण सुबह 10:17 पर शुरू होगा। इसका मध्यकाल दोपहर 12:10 में होगा। वही दोपहर बाद 2:02 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा। ऐसे में 20 जून को रात 10:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण भारत, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, इथियोपिया और पाकिस्तान और चीन में दिखाई देगा। भारत के देहरादून, सिरसा और टिहरी शहरों में बहिराकाश सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जबकि नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लैंडलॉर्ड, लखनऊ, चेन्नई और शिमला में आंशिक सूर्य ग्रहण नजर आएगा। अब हम आपको वैज्ञानिक और ज्योतिषीय आधार पर बताते हैं कि ग्रहण के दौरान किन 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से डायरेक्ट ना देखें। साइंटिस्ट कहते हैं कि इससे आंखें आपकी डैमेज हो सकती है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमेशा खास सोशल क्लियर का चश्मों का इस्तेमाल करें। यह सोलर व्यू ग्लासेस और सोलर फिल्टर्स आई क्लिप्स ग्लासेस कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के वक्त भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर के पूजा स्थल को भी पर्दे में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दौरान भगवान को भी ग्रहण के दर्शन ना हो। यही वजह है कि सूतक लगते ही सभी धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण के वक्त कुछ भी खाने और पीने से बचना चाहिए। अगर अधिक जरूरी हो तो पानी में तुलसी का पत्ता डालकर पी लेना चाहिए। हालांकि गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाने के मामलों में छूट होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ग्रहण के वक्त कुछ लोग पोटका करते हैं, इसलिए भूल से भी बाहर वालों से आपको कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए। वैसे तो इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि ग्रहण से गर्भवती महिलाओं पर असर पड़ता है, लेकिन इस बात को लेकर कई लोग भयभीत रहते हैं। यही वजह है कि आज भी गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का निकलने से मना किया जाता है। आश्रम में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि गर्भवती से उसका बुरा प्रभाव पाने का डर रहता है या बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं नारियल हमेशा अपने पास रखें, उन सबे पास रखकर ही सोएं। अगर ग्रहण के बाद इस नारियल को जरूर विजलित कर दें। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण के वक्त महिलाओं और पुरुष को करीब आने से बचना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय गर्भधारण से संतान पर बुरा असर पड़ता है। ज्योतिषियों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद बुजुर्गों के साथ असहाय लोगों की भी मदद करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों और असहाय लोगों का अपमान करने से शनिदेव नाराज होते हैं। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अनजानी शक्तियां प्रभावी हो जाती है। इन शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसे जगहों पर ना जाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ग्रहण के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। ग्रहण के दिन वृद्धगणों का नाम लेकर दान जरूर करें। ग्रहण के दौरान कुछ भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। इसके अलावा बाल और नाखून ना काटने की सलाह दी जाती है। साथ ही सिलाई कढ़ाई और खाना आदि बनाना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर में शुभ समृद्धि नहीं आती।
इस रिपोर्ट में हम आपको शास्त्रों के हिसाब से ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताया। वैसे तो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों ही खतनी गणनाएं होती है, लेकिन एहतियात के तौर पर यह सलाह मानी जा सकती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।